एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते आज की खास खबर। आचार संहिता के चलते ग्रामीण मजदूर परेशान। भंडारा जिले के रोजगार केंद्र में पंजीयन के कई वर्ष के पश्चात भी बेरोजगार उच्च शिक्षितों को रोजगार नहीं मिलने से बेरोजगारों का जिला रोजगार केंद्र से विश्वास उड़ गया है। इस कारण अब बेरोजगार रोजगार केंद्र में शिक्षित बेरोजगारों द्वारा बहुत कम प्रमाण में पंजीयन किया जा रहा है। जिले में कई लघु उद्योग है, वो उच्च शिक्षित बेरोजगारों की रोजगार की समस्या हल कर सकते हैं, किंतु लघु उद्योगों को भी सरकार व प्रशासन की नीति की वजह से बाजार में योग्य दाम नहीं मिलते, इसलिए बेरोजगार की ओर अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं। इस कारण शिक्षित युवा दूसरे प्रांतों में रोजगार पाने के लिए पलायन कर रहे हैं। वही दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना के काम ठप होने के कारण ग्रामीण मजदूर भी परेशान हैं। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि वे अब अपने गांव से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भटकने को विवश है। बंद कारखाने नहीं किए जा रहे शुरू। जिला धान उत्पादन जिला तथा तालाबों के जिले के रूप में संपूर्ण विदर्भ में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक धरोहर से घिरे हुए जिले में कुछ वर्ष पूर्व कई कारखाने थे, किंतु आज वह बंद अवस्था में होने से रोजगार का सवाल बेरोजगारों को सता रहा है। जिले के आयुध निर्माण वर्टिसे सनफ्लैप गड़गांव में ट्रक बनाने का कारखाना है। इस कारखाने में स्थगित कामगारों को प्राधान्य नहीं देकर अंतर्राज्यीय कामगारों को प्राधान्य देकर स्थानीय कामगारों पर अन्याय कर रहे हैं। जिले के सुशिक्षित बेरोजगार कार्य की खोज में नागपुर पुणे मुंबई बैंगलोर हैदराबाद कोलकाता ऐसे बड़े शहरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन क्षेत्रों से भी नहीं मिल पा रहा लाभ। जिले में 3-4 बड़े कारखाने छोड़कर कोई भी बड़ा कारखाना नहीं। जिले में कम मानधन पर कार्य करते हुए कामगार दिखाई देते हैं। महंगाई के जीवन में कैसे जिए ऐसा सवाल निर्माण होता है। जिले के बेरोजगार युवक युवती दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र तथा प्रकल्प का अभाव दिखाई दे रहा है। वर्ष 1 मई 1999 को भंडारा जिले का विभाजन होकर नया गोंदिया जिला निर्माण किया गया। प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न होने वाले नवेगांव बांध एवं नागजीरा यहाँ दो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य गोंदिया जिले में शामिल किए जाने से भंडारा जिले का रहा सहा रोजगार भी छीन गया। वैद्यकीय महाविद्यालय के छात्रों को नागपुर मुंबई पुणे आदि बड़े शहर की ओर जाना पड़ रहा है। जिले में गिनती की तकनीकी महाविद्यालय के अलावा अन्य किसी भी जगह तकनीकी महाविद्यालय का पता नहीं। जिले में एकमात्र राष्ट्रीय प्रकल्प इंदिरा सागर है, किंतु संजय का लाभ जिले को कम और नागपुर गढ़चिरौली चंद्रपुर आदि जिले को अधिक हो रहा है। इस मामले में प्रशासन ने गंभीर दखल देकर शीघ्र इसका कार्यान्वयन करना आवश्यक हुआ है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।